नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर जिंदा है 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सलमान खान सर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आ रहे, जिनमें से हाल ही में ईद के त्यौहार पर 13 मई 2021 को उनकी एक मूवी रिलीज होने वाली है, राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी। इसके अलावा उनकी अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी भी इसके बाद रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कभी ईद कभी दिवाली मूवी और किक 2 मूवी भी अपलोड रिलीज होने वाली है। साथ में उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी टाइगर का तीसरा सीक्वल भी रिलीज होने वाला है, टाइगर जिंदा है 3 मूवी, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें मार्च में ही देखने को मिला। टाइगर फ्रेंचाइजी की फर्स्ट किस्सत एक था टाइगर मूवी हमें 15 अगस्त 2012 को सिनेमा घरों में देखने को मिली थी, जिस मूवी को कबीर खान द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इस मूवी को 80 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी की सक्सेस के बाद मेकर्स ने उनका दूसरा पार्ट टाइगर जिंदा है रिलीज किया, जो टाइगर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्सत रही थी 22 दिसंबर 2070 को, और इस मूवी को डायरेक्ट किया अली अब्बास जफर ने, और इस मूवी को 120 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 220 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। और अब टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त आने वाली है और सलमान खान सर फिर से मिशन पर जाने वाले हैं, सीक्रेट एजेंट का रोल करते हुए वो नजर आने वाले है और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर कैटरीना कैफ देखने को मिलेगी। अगले एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में भी कैटरीना कैफ देखने को मिली थी और तीसरी बार टाइगर जिंदा है की तीसरी किस्त में भी कैटरीना कैफ देखने को मिलेगी। और इस बार इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले मनीष शर्मा, वहीं प्रोड्यूस करेंगे YRF यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा, और ये मूवी एक्शन थ्रिलर और रोमांस से भरपूर रहने वाली है और ये मूवी बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म बनेगी। इस मूवी को 350 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा। विलन का रोल करते हुए इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। टाइगर जिंदा है 3 का टाइटल भी शायद प्रोजेक्ट टाइगर 3 रहने वाला है। तो दोस्तों आप ये टाइगर जिंदा है 3 यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर 3 देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर।